हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रमन हाजिर हूँ आपके लिए नई और बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई आपको अपनी वीडियो क्रिएट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर, जैसे कि मैंने अभी अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लिया है, उसके बाद फ्रेंड्स जहाँ पर आपको लिखना है गूगल कीवर्ड प्लानर। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि भाई मैंने इसके बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके बारे में तो आपको पता ही है। बट फ्रेंड, अभी आप वेट कीजिए, आपको मैं इसकी कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने यहाँ पर गूगल कीवर्ड प्लानर लिख लिया, उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर फर्स्ट वाली वेबसाइट पर चला जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर फ्रेंड्स, अगर आपने अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करके रख रखा है तब आपके पास ये सीधा ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, अभी मेरे पास ये स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर चले जाना टूल्स एंड सेटिंग पर। उसके बाद सबसे नीचे आपको जाना है कीवर्ड प्लानर पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारी ट्रिक है वो भी यहाँ पर वर्क करेगी। यहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि भाई आपको उस टॉपिक पर वीडियो क्रिएट करनी चाहिए या नहीं क्रिएट करनी चाहिए, और अगर आप उस पर वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको उसमें क्या क्या बोलना होगा, क्या क्या आपको उसमें कीवर्ड यूज़ करने पड़ेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर चलना है आपको डिस्कवर न्यू कीवर्ड पर, और यहाँ पर आपको कोई भी टॉपिक सर्च कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ अमेज़ॉन सेल। आप अपने हिसाब से फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जो इस पर आपको वीडियो क्रिएट करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद आपको जो सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखनी है वो आपको यहाँ पर इसे साइड में आना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं अमेज़ॉन सेल पर वीडियो क्रिएट करूँगा तो यहाँ पर इसका कॉम्पिटिशन भी लो आ रहा है हमारे पास, और इससे हमें अर्निंग यहाँ पर 35 रुपये हो रही है। फ्रेंड्स डॉलर में नहीं है, ये रुपये में है। तो अगर हम यहाँ पर नीचे चले जाएंगे तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई हमें किस कीवर्ड पर ज़्यादा अर्निंग होगी। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पर एक टॉपिक निकल कर आया है अमेज़ॉन बिजनेस के नाम पर। अगर फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पर इससे हमें 2000 रुपये से भी ज़्यादा यहाँ पर हमें मिलेगा, 2238 रुपये हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इसको यहाँ पर सिंपली सा सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करके उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली सा कॉपी कर लेना है। अगर फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर ये इतने नहीं शो हो रहे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल नीचे जाना है और उसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है 500 वर्ड। तो आपके पास यहाँ पर 500 कीवर्ड शो हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स सिंपली यहाँ पर इसको कॉपी किया मैंने, और उसके बाद मेरे को यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लेनी है और यहाँ पर आपको वो सभी कीवर्ड लिख लेने हैं जो जो आपको यहाँ पर वहाँ से मिले हैं। तो फ्रेंड्स अभी ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास आ गया अमेज़ॉन बिजनेस फॉर सेल। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अगर फ्रेंड्स आप अपनी कोई भी वीडियो क्रिएट करेंगे, अगर आप अपनी वीडियो क्रिएट करते हैं अमेज़ॉन सेल के ऊपर, तो उस वीडियो के बीच में आपको ये वाला वर्ड 2-3 बार बोलना है, अमेज़ॉन बिजनेस सेल। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि भाई आज हम बात करने जा रहे हैं अमेज़ॉन बिजनेस सेल के बारे में। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, आप अमेज़ॉन बिजनेस बोल सकते हैं, बिजनेस सेल बोल सकते हैं। ऐसे आपको 2-3 बार अपनी वीडियो में इसको बोलना है, और आपको इस वाले कीवर्ड को अपनी वीडियो में भी लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कहीं पर भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने भी यहाँ पर लिखा अमेज़ॉन बिजनेस फॉर सेल। तो आप इसे अपनी वीडियो में इसका यूज़ कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं, और उसके बाद आपको इसे बोलना है। उसके बाद आपको इस कीवर्ड को अपने टैग में, टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में डाल देना है। तो इससे फ्रेंड्स होगा क्या, जो आपकी CPC होगी वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, उससे फ्रेंड्स आपका RPM भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। अगर फ्रेंड्स आपका यहाँ पर RPM इंक्रीज़ होगा तो आपके को पर क्लिक पर ज़्यादा अर्निंग होगी। तो इस तरीके से आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा आज का यही मोटिव था आपको बताना कि भाई आपको अपने टॉपिक की सिलेक्शन कैसे करनी है, कैसे आप अपने टॉपिक को फाइंड कर सकते हैं कि भाई मुझे इस टॉपिक पर वीडियो क्रिएट करनी चाहिए, मुझे इसका कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले अपने टॉपिक को इस तरीके से चेक कर लिया करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ नॉलेजफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।